जैसा कि आपको पता है गेम में भाई साहब फैल्कन का कंपेनियन सबसे पहले आया था, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है अपना पोरो कंपेनियन, काफ़ी क्यूट पफ बॉल अपन इसे कह सकते हैं, बड़ा क्यूट सा लगता है। बडी गॉडज़िला वाला जो अभी आया था, स्पिन में काफ़ी ज़्यादा यूसी फूकने पर ये मिल रहा था आपको, और कॉन्ग वाला ऑब्वियसली, दोनों में यूसी फूको आपको आराम से मिल रहे थे। तो एक यार नया कंपेनियन आया जिसको बोला जा रहा है पिकाचू कंपेनियन, तो क्या पोकेमोन के साथ इसका कोलैबोरेशन होने वाला है, क्या हिंट कर रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरियन या चाइनीज में भी पिकाचू कंपेनियन लिखा है, अगर आप इसे गूगल ट्रांसलेट करो तो यहाँ पे इसके इमोट्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये रियल है या फिर ये फेक है, तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप देखो इसे गौर से तो आपको कोई शेडो नहीं दिखेगी, तो ये एडिटेड इमेज लग रही है मुझे दिखी, क्योंकि पोरो की आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडो अपन को देखने को मिली, और ये देखिए फैल्कन को भी अपनी यार देखो शेडो देखने को मिल रही है आपको, और यहाँ पे अगर आप गॉडज़िला खोलोगे तो उसकी भी शेडो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे किंग कॉन्ग अगर आप आगे बढ़ते तो इसकी भी शेडो मिली, पर अपन को यार उसकी शेडो नहीं मिली, तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट प्रोबेबली फेक है, तो यार विश्वास मत करो फेक हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं M6 रॉयल पास के लीक्स की ओर। तो यार फर्स्ट RP अगर आपको रिवॉर्ड्स दिखा देते हैं तो सबसे पहले एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि भाई साहब फर्स्ट RP पे Win94 की स्किन डाल दी गई है। आई डोंट नो व्हाई क्यों डाली गई है ये, पर डाल दी गई है। अब देख लीजिए ये होने वाले इसके फुल टेक्सचर, आप देख सकते हैं स्नोई थीम पे बेस्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली यार क्रिसमस का महीना है, सर्दी आ चुकी है, और देखिए भाई साहब पूरा बर्फ बर्फ है इसमें, कैंडी वेंडी चिपका दिए। तो अगर आपके पास कोई भी लेजेंडरी Win94 की स्किन नहीं थी तो अब यार फाइनली आपके पास इसकी स्किन होगी। वैसे Win94 कौन चलाता है कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चलाता, मुझे अजीब सी लगती है। और यहाँ पे एक 1 RP पे यार एक आउटफिट भी है लेजेंडरी वाला जो आपको मिलेगा, जिसका नाम है मैरी येटी सेट। तो आप देख सकते हैं ये सेट के पूरे टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कैसा लगा आपको ये सेट? मुझे ठीक ठाक ही लगा, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं लगा, गिली सूट जैसा लग रहा है स्नो वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के रिवॉर्ड दिखाते हैं। यहाँ पे इसका कवर है ये आपको दिखा देते हैं, 5 RP पे आपको इसका कवर मिलेगा जिसका नाम है मैरी येटी कवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटा क्लॉस टाइप का फेस है इसका, थोड़ा गुस्से में लग रहा है, ब्लू ब्लू इसके आईब्रोज आप देख सकते हैं, तो फनी टाइप का है थोड़ा। आगे चलते हैं, आगे के रिवॉर्ड्स आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक हेलमेट का स्किन है, तो इसके पूरे टेक्सचर दिखा देते हैं आपको। तो ये है जॉली फेस्टिवल हेलमेट, Level 1 पे आपको ये ऐसा दिखने वाला है, ठीक ठाक लग रहा है Level 1 पे देखा जाए तो। Level 2 पे ये रेनडियर टाइप का इसमें वो आ जाता है, और आप देख सकते हैं Level 3 पे बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो ये था अपना यार रिवॉर्ड अपना। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा रुक जाइए ज़रा आगे आगे। ये मेट्रो बेजेस, यहाँ पे एक काफ़ी ख़तरनाक इमोट आपको दिखाते हैं, RP अवतार फ्रेम देख लीजिए पहले। और यहाँ पे विक्टर पागल हो गया, ये देखिए स्ट्रेंज हेड शेक इमोट, भाई साहब विक्टर यार बिल्कुल खुशी से पागल हो जाएगा अगर ये उससे मिल गया इमोट। तो ये विक्टर भाई के लिए एक नया इमोट आ चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे RP अवतार की जो फुल इमेज है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये RP अवतार में जो भी करेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये 50 RP आउटफिट है, तो ये M6 रॉयल पास की 50 RP आउटफिट है, और आप देख सकते हैं अवतार फ्रेम वगैरह भी आपको दिखा दिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे खतरनाक 20 RP के रिवॉर्ड में आपको मिलने वाली एक लेजेंडरी ओपन UAZ की स्किन। तो यहाँ पे मैरी येटी UAZ की स्किन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू और रेड में इसकी फिनिश है, काफ़ी अच्छी लग रही है UAZ की स्किन। तो भाई साहब मेरे हिसाब से M6 रॉयल पास सब लोग इसी के लिए लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें UAZ की स्किन है। वैसे मेरे पास भाई एक ऑलरेडी UAZ की ओपन स्किन है, पर चलो इसे भी ले लेंगे। तो चलो भाई आपको कैसी लगी ये वाली स्किन? मुझे काफ़ी पर्सनली मैं कहूँगा मुझे अच्छी लगी, पसंद आई ये स्किन, जो मेरे पास पिछली वाली है उससे ज़्यादा बेटर लग रही है, काफ़ी अच्छी लगी। और आप देख सकते हैं आगे के रिवॉर्ड अपन आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 25 RP पे अपन को एक वाइब्रेंट यूथ सेट मिलेगा, तो आप देख सकते हैं पिंक में ये सेट होने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये सेट ज़रूर बताइएगा, मुझे ये सेट काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि ये एपिक है भाई, और एपिक के हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है। तो देखते हैं अपन ये अपने एना करेक्टर पे सूट करता है कि नहीं, एना को पहना देंगे अपन, तो देखते हैं भाई साहब। तो ये अपन को फ्री में मिलने वाला है 25 RP के रिवॉर्ड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे के रिवॉर्ड्स अपन देखेंगे। तो यहाँ पे मेट्रो बैजेस अपन को देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप यार एक और इमोट है अपन का फ्रोजन गार्डियन वाला, काफ़ी अजीब से ये क्या हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये अजीब से इमोट अब पबजी या BGMI वाले डालने लग गए हैं, ये मेरा इसमें कोई दोष नहीं है याद रखना, ठीक है। तो ये देखिए क्या ये इमोट है भाई, विक्टर पे अगर करूँगा तो कैसा लगेगा भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आने वाली है। विक्टर भाई सही में विक्टर काफ़ी खुश होगा इस बार के इमोट देख के। तो ये M6 रॉयल पास का है, और यहाँ पे एक ऑर्नामेंट भी है इसी लेवल पे, आप देख सकते हैं मैरी येटी ऑर्नामेंट। तो ये देखिए ये जो ऑर्नामेंट था उसके टेक्स्चर आपको दिखा दिए गए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे यार एक 30 वाले RP रिवॉर्ड पे बहुत ही गंदी UMP की स्किन डाल दी है, मतलब ये मुझे स्किन लग नहीं रही पर ये स्किन है, देख लीजिए थोड़ा सा हरा पेंट करने से स्किन बन जाता है पबजी और BGMI के मतलब सोचने से,
भाई मुझे तो ये बहुत ही गंदी लगी। लोग कह रहे थे या मैं खुद ही कह रहा था कि मुझे लगा था कि भाई साहब बैरल की स्किन आने वाली है लेवल 30 के रिवॉर्ड में, मतलब लेवल 35 सॉरी, पर ये क्या कर दिया इन्होंने, स्कैम कर दिया हमारे साथ फिर से। तो हमें कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला है, बैरल की स्किन अभी तक नहीं मिली। और यहाँ 40 वाले आरपी रिवॉर्ड पे जो स्किन है वो होने वाली है MK12 की। तो भाई साहब MK12 से लिविक वाले खुश हो जाओ, क्योंकि गोल्डन वाइट में जो साइलेंट नाइट वाली MK12 की स्किन है पर्सनली मेरे को काफ़ी पसंद आई। लेकिन अगर ये स्किन M4 या फिर उसकी होती क्या ही लगती। और यहाँ देखिए मैंने यार आपकी विश पूरी कर दी, विक्टर द्वारा फ्रोजन गार्डियन वाला इमोट करवा दिया है। तो ये देखिए विक्टर भाई कैसे एकदम मज़े में लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के रिवॉर्ड्स दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने 50 आरपी रिवॉर्ड्स की ओर। तो ये हेड गियर है और जो आउटफिट है आप देख सकते हैं। तो अभी अगर आपको क्लियर इमेज नहीं दिख रही तो टेंशन मत करो, अभी आपको फिल टेक्सचर भी दिखा दिया जाएगा। तो ये देखिए कवर आपका ये पूरा ऐसा लग रहा है, ये बर्फ़ का टीला खोपड़े पे लगा दिया है और उसके जो दो सींग हैं बर्फीले सींग लगा दिए। फ्रोजन गार्डियन सेट ये ऐसा ही होने वाला है, मुझे कुछ अजीब सही लग रहा है ये, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, आपको कैसा लगा बताइए। मुझे MC रॉयल पास ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, बस मुझे USZ और रिमोट काफ़ी ज़्यादा पसंद।